हे गाइस, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप वजीरेक से पर डे 10,000 रुपये कैसे अर्न कर सकते हैं। आई न्यू इट, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सब फेक लॉजी है। बहुत सारे वीडियो के नीचे वो कमेंट करते रहते हैं इस टाइप के, लेकिन ट्रस्ट मी, आज के इस वीडियो में आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि ऐसा पॉसिबल है। आज उनको जवाब मिल जाएगा और एज ए फैमिली मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा पॉसिबल है। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है, इम्पॉसिबल टाइप का कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये वीडियो मैं आपको 5-7 दिन पहले ही प्रोवाइड कर देता, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। और यही नहीं, मैं 5-7 दिन से ट्रेडिंग भी नहीं किया हूँ, क्योंकि दिमाग ख़राब होता है तब यहाँ पर ट्रेडिंग करना उचित नहीं लगता मुझे। कोई बात नहीं, वो छोड़ते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको जो बताऊँगा ना, उससे आपको बिलीव हो जाएगा कि आप भी यहाँ पे 10K 5K या इससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई पिक्स नहीं है कि यहाँ 10K या 5K। यहाँ पे देखो, मेरी बात करें तो कभी कभी मेरे को 10K से ऊपर मिल जाता है, कभी 20K से भी ऊपर मिल जाता है, कभी 5K, या कभी कुछ भी नहीं। यहाँ पे कोई पिक्स नहीं है, ऊपर नीचे वगैरह ये सब चलता रहता है। कोई पिक्स लिख के थोड़ी आता है कि इतना ही होगा, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिव है, किस तरीके से ट्रेड करते हैं, तो ये सब चीज़ें अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही रखिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें, ठीक है। वैसे मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे क्या करना है सब चीज़ें। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी, और इवन आप ये भी सीख जाएंगे कि किस तरीके से आप भी अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं, उसके बाद यहां पे फर्दर आगे बात करेंगे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यहां पे आप पहला स्क्रीनशॉट देख लीजिए, हालांकि थोड़ा 10 दिन पहले पुराना है, मैंने आपको पहले बता ही दिया था, थोड़े दिनों से मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाया हूं, और की भी है कुछ जो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना बाई किया हुआ है, 1,70,000 रुपीज़ के समथिंग है, और यहाँ पर मेरे पास 216 के समथिंग कॉइन आए हुए हैं, ठीक है। इतना आने के बाद आप नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में देखिए आप मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है, और टाइमिंग भी देख लीजिए आप। टाइमिंग यहाँ पे 4 बजे का टाइमिंग है, और फिर मैंने सेल करने का यहाँ पे टाइमिंग है यहाँ पे 7:42, ठीक है। और यहाँ पे सेल किया 590 की रेट पे और 1,27,000, आप देख सकते हैं सीधा 10,000 का प्रॉफिट। तो ये तो एक जस्ट एग्जाम्पल है आपको दिखाने के लिए, और ये स्कैल्पिंग का ही है, कोई यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नहीं है कि हाँ यार बहुत टाइम से मैंने होल्ड किया हुआ था, और मैंने आपको बता ही दिया था कि मैं थोड़े दिनों से ट्रेडिंग कर भी नहीं पा रहा हूँ, नहीं अदरवाइज आपको और भी स्क्रीनशॉट मिलते हैं। मैं ज़्यादा पीछे के दिखाना नहीं चाहता हूँ कि यहाँ शो ऑफ करने के लिए, देखो मैंने इतना अर्न किया है, मैंने वो किया है, ये जस्ट अभी थोड़े 10 दिन पहले का ही है, इसलिए मैंने इसी को चूज किया है। तो इससे आपको थोड़ा बिलीव हुआ होगा कि ऐसा पॉसिबल है। अब तो यहाँ पे आपके दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा होगा कि यार ये नहीं है वो नहीं है। और यहाँ पे देखो, फंड की भी बात करें, आप सोच रहे होंगे कि आपने तो इतना फंड यूज किया है, तो आप चाहो तो कम भी यूज कर सकते हो, वहाँ पे कम प्रॉफिट मिल जाएगा। कभी कभी ये भी होता है कि आपकी प्राइसें ज़्यादा हो जाती है, तो कम फंड में ही ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। तो स्कैल्पिंग में भी अच्छे से आप अर्न कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में देखो, मैं दोनों टाइप से करता हूँ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में भी हो जाता मेरा, और लॉन्ग टर्म के तो अलग ही होते हैं, तो उनका भी मेरा होता है। वो लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी डिप मेंटली होती है, और वो अब तक प्रॉफिट देते रहते हैं, आगे भी देते रहते हैं। तो यहाँ पे वो अलग सीन है, अब आपकी क्या चॉइस है, आपके क्या फिट बैठता है, आप शॉर्ट टर्म में फिट बैठते हो या फिर लॉन्ग टर्म में, या दोनों में, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप ये स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक अलग ही तरीका बताने वाला हूँ जो कि अच्छा है, यहाँ पे मैं खुद यहाँ पे इसको ट्राई करके देखा है, आपके भी वर्क कर सकता है अगर आप ट्राई करके देखो तो। उससे पहले एक चीज़ मेरी एडवाइस आपके लिए कि एक बार आप खुद ऐसे नोटिस करके देखना, एक दो बार ऐसे देख लेना, हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है, उसके बाद ही आप अमाउंट लगाना। ऐसे नहीं कि यहाँ पे मेरा सुना और चले गए, ठीक है। तो दरअसल यहाँ पे आप देखना, कभी भी यहाँ पे वजीरेक्स में देखो, एक तो आपको पहले एक्टिव होना पड़ेगा, एक्टिव हो गए तभी हो सकता है। मेरे से ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छूट जाती है, क्योंकि मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, रिसर्च में या कुछ पर्सनल काम हो गए वगैरह इनमें, तो मेरे से छूट जाती है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कोई सा भी कॉइन पंप हो रहा होता है तो। लेकिन अगर आप एक्टिव होंगे तो आपके सामने पिक्स रहेगा कि हाँ यार ये कॉइन पंप हो रहा है, तो आप उसी टाइम उसमें एंट्री ले सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। वो बताता हूँ कैसे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आप एक्टिव है और आपके सामने कोई सा कॉइन है, वो अच्छा खासा पंप हो रहा है आपके सामने, ऐसे नहीं पंप होने के बाद आप एंट्री ले रहे हैं, पंप होने के बाद एंट्री लेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, ऊपर ही फंस जाएंगे। जैसे कॉइन पंप हो रहा है, तो पंप होता है तो आपको पता है वो कॉइन धड़ाधड़ ऊपर नीचे होता रहता है, तो जब नीचे हो तो आप पहले से ही वो जब नीचे हो रहा तो वो अमाउंट फिक्स करके यहाँ पे बाई ऑर्डर लगा दो, और वो वहाँ पे प्राइस आएगी, हिट होते आपका बाई ऑर्डर लग जाएगा, और वो जैसे जैसे ऊपर चला जाएगा आपको
इंस्टेंट स्केल्पिंग में प्रॉफिट मिल जाएगा, देख लेना आप ऐसा करके। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क ही होता है, ये नॉर्मल लोग जैसे मान लो कोई जिसको करना नहीं आता है यहाँ पे स्केल्पिंग ढंग से तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ट्रेडिंग करना आता है आपको ढंग से तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो ये तो आप एक्टिव रहें तब तो कर ही लेंगे इस चीज़ को, एक और जैसे मान लो कोई सा कोई पंप होके खतरनाक ऊपर पंप होके फिर नीचे आ गया पड़ गया है वहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड कर रहा है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना वहाँ पे एक बार वो वापस से अगेन जाएगा ही। मैंने बहुत बार नोटिस किया अगर मान लो कोई किसी भी कॉइन में अच्छा खासा पंप आया ऊपर गया उसके बाद नीचे आ गया क्योंकि लोगों ने उसको सेल कर दिया या वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो वो नीचे ट्रेड करने लग गया थोड़ा, लेकिन उसके बाद फिर से अगेन उसमें पंप आएगा, भले वो उसके पास जाके क्यों ना आए लेकिन पंप आएगा, तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हैं, आपको देख लेना प्रॉफिट हो गई। मैंने किया हुआ है, बहुत बार करता हूँ ऐसा और प्रॉफिट होता है। यहाँ पे ईजेड में किया है मैंने, आयोटेक्स में बहुत बार किया है। और देखो एक चीज़ और है यहाँ पे, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है जैसे प्रॉफिट आ रहा भी होता है और अपन या तो लालच की वजह से या फिर किसी काम में लग जाते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है और अपन प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव होके ही आप इसको फिनिश कीजिएगा क्योंकि स्कैल्पिंग है, लॉन्ग टर्म का नहीं है। तो यहाँ पे दो तरीके बता दिए मैंने, एक तो हो गया जैसे आपके सामने कोई सा कोई पंप हो रहा है तो आप उसमें उस नीचे का जैसे वो ऊपर नीचे होता रहता है ना, फ्लक्चुएट होता रहता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऊपर नीचे जाती रहती है उसकी रेट, तो थोड़ा जैसे आप नीचे आ रहा हो वहाँ का आप बाय ऑर्डर लगा दो और वो फिर आप अगेन ऊपर जाता जाएगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा, सिंपल। दूसरा जैसे कोइन अच्छा खासा पंप हो गया है, पंप होने के बाद फिर वो नीचे आ गया है उसकी प्राइस और वहाँ पे ट्रेड कर रही है नीचे, तो आप स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हैं। वो अगेन अपने थोड़ा पहले उस लेवल के पास में जाके ही आए या हो सकता है उससे भी अगेन ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है यहाँ टाइमिंग स्लॉट होते हैं पंप करने के, जैसे एक बार पंप हो गया फिर उसके बाद नीचे हो गया फिर अगेन पंप होगा फिर नीचे, तो यहाँ पे धीरे धीरे पंपिंग होती है, ऐसे एक साथ ही थोड़ी हो जाती है। तो उन कोइनों में आप अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं, जैसे पुश में देख लो ये भी इसी तरीके से ऊपर उठता गया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक मिनट में यूँ नहीं होता था, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप ही इस तरीके से स्केल्पिंग करके ज़बरदस्त प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है विथ प्रूफ दिखा दिया है, अभी भी आपके मन में कोई डाउट चल रहा है या कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में अगर आपको जरा सा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे।